नमस्कार, स्वागत है आपका DTW 24 न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ राधा। मुंगेर के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, अब मुंगेर में भी COVID-19 के हल्के लक्षणों वाले मरीजों का इलाज होगा। DM ने 50 बेड वाले दो अस्पतालों का उद्घाटन किया, साथ ही उसका निरीक्षण भी किया। मुंगेर जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुंगेर जिला प्रशासन ने जिले में दो अलग अलग जगहों पर अस्थायी कोरोना अस्पताल बनाया है, जिसमें GNM हॉस्पिटल हाजी सुभान मुंगेर और दूसरा ANM हॉस्पिटल तारापुर में 50-50 बेडों वाले कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया। अस्पताल का उद्घाटन DM राजेश मीणा ने किया। इन कोविड केयर सेंटर पर 24 घंटे चिकित्सा की व्यवस्था की गई है तथा चिकित्सा कर्मियों की भी तैनाती रहेगी। साथ ही CCTV कैमरे के माध्यम से जिला के वरीय अधिकारियों के द्वारा निगरानी की जाएगी। कोविड केयर सेंटर चालू होने से अब मुंगेर में भी कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीजों का इलाज हो पाएगा। मुंगेर में अब तक 946 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से लगभग 820 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। जिले में लगभग 16 लोग की मौत हो चुकी है और लगभग 112 लोग जिले में अभी भी पॉजिटिव हैं। देखिए, हम लोगों ने पर डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बनाया है मुंगेर मुख्यालय में और तारापुर अनुमंडल में। यहाँ पर जो हमारा ANM स्कूल है, इसमें हम लोगों ने डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बनाया है। इसकी विशेष बात यह है कि यहाँ पर 50 बेड की व्यवस्था करी है, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की फैसिलिटी दी गई है। यानी कि जो COVID-19 पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उनको हल्के जो लक्षण आते हैं या फिर सांस की दिक्कत है, उनको हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी हायर मेडिकल कॉलेज भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे उन मरीजों को समय पर एक तो इलाज मिलेगा, उनकी जान बच सकेगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मुंगेर जिला के लिए है। यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ साथ पल्स ऑक्सीमीटर, BP मशीन्स, अन्य जो इसेंशियल ड्रग्स हैं वो सब अवेलेबल रहेंगे। साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन ये दिया गया है कि 24 घंटे डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की यहाँ पर डेपुटेशन रहेगा, ताकि वो मरीजों का हालचाल देख सकें। आवश्यकता अनुसार मरीजों के लिए उनके अटेंडेंस भी यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन उनकी बैठने की व्यवस्था अलग रहेगी ताकि संक्रमण उनके अंदर नहीं फैले। तो ये सभी व्यवस्थाएं हम लोगों ने यहाँ पर करी है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इसका बेहतर लाभ यहाँ पर जो भी व्यक्ति पॉजिटिव अगर होते हैं तो उनको मिलेगा। धन्यवाद सर। यहाँ पर सर देख लेते हैं, उनके बारे में शिकायत कही जा रही है, उनके बारे में हम रिपोर्ट प्राप्त करके उस पर कार्रवाई करेंगे। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए DTW 24 न्यूज़ के साथ। अगर आप हमारे इस न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।